उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में जारी दंगल के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा बसपा में इस कदर विरोध है कि एक अगर कुछ कहता है तो दूसरा उसके विरोध में ही बात करता है, लेकिन भ्रष्टाचार की लड़ाई को रोकने के लिए दोनों साथ आ गए। नोटबंदी का विरोध करते हुए वे कहते हैं कि मोदी को हटाओ और मैं कहता हूं कि काला धन और भ्रष्टाचार को हटाओ। अब किसे हटाना है और किसे नहीं, यह जनता का फैसला होगा। यहां विपक्ष पर तंज कसते हुए पीएम ने कहा कि एक दल पिछले 15 साल से अपने बेटे को स्थापित करने में जुटा है, दूसरा पैसों को ठिकाने लगाने में जुटा है और तीसरा परिवार के झगड़ों में उलझा है। यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 2.5 साल में अकेले यूपी को 2.5 लाख करोड़ रुपया दिया गया, लेकिन यहाँ पर विकास सपा की प्राथमिकता नहीं है। पीएम ने कहा कि दलों के बीच राजनीति होनी चाहिए, लेकिन जनता के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे में एकमात्र पार्टी भाजपा है जो जनता के बारे में सोच रही है और प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जा सकती है। बीजेपी की हाईकमान जनता है, हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, हमने गरीबों के लिए कई योजनाएं बनाई, लेकिन इस पर भी लोगों को परेशानी हो रही है। तो पीएम मोदी ने आज सपा बीएसपी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। हालांकि आज उनसे उम्मीद की जा रही थी कि शायद आज पीएम मोदी चुनावी सौगात दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस रैली में पीएम ने विकास के एजेंडे को दोहराया है। देखते रहिए डीबी लाइव।